और अब खबर टीकमगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, दो बाइक की भिड़ंत में यहां जान गई है। मुड़ी खेरा रोड की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। दो बाइक के बीच भिड़ंत हुई जिसमें चार लोगों की जान चली गई। टीकमगढ़ के मुड़ी खेरा सड़क की यह घटना है, जहां दो बाइक आपस में भिड़ी। क्या वजह रही इस भिड़ंत की, ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस हादसे ने चार लोगों की जान ले ली। मुड़ी खेरा रोड की घटना, तस्वीरें हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये शव यहां पर आप देख सकते हैं, आसपास लोग इकट्ठा हुए हैं। टीकमगढ़ में ये सड़क हादसा हुआ, दो बाइक आपस में भिड़ गई। राजीव रावत हमारे सहयोगी टीकमगढ़ से जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या वजह रही इस हादसे की? बुढ़ेरा थाना क्षेत्र का मामला है और मुड़ी खेड़ा रोड पर ये जबरदस्त हादसा हुआ है, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला है जो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। हालांकि जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये दोनों बाइकों पर सवार थे और बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसकी वजह से चार लोगों की मौत हो गई। और यह सुंदरपुर गांव के और लक्ष्मणपुर गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और जो मृतक हैं उनके नाम विक्रम राजपूत और अरविंद राजपूत बताए जा रहे हैं। हालांकि दो लोगों के नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया राजीव रावत आपका इस जानकारी के लिए। वहीं भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अटेर विधानसभा क्षेत्र केशवपुरा में वापस से मतदान कराया जाएगा। 21 नवंबर को होगी रिपोलिंग, रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बात के निर्देश दिए हैं। तो अटेर विधानसभा क्षेत्र में दोबारा से मतदान करवाया जाएगा, रिपोलिंग होगी अटेर विधानसभा क्षेत्र में। रिटर्निंग ऑफिसर ने 21 तारीख को दोबारा मतदान कराने के निर्देश दिए हैं केशवपुरा में। अटेर विधानसभा क्षेत्र का ये केशवपुरा, जहां पर वापस से पोलिंग करवाई जाएगी। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान केंद्र जो कि 9 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी अटेर का भाग है, में 21-11-23 को पुनर्मतदान किया जाएगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का आदेश प्राप्त हुआ है और यह निर्वाचन मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संपन्न किया जाएगा। इसमें आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन के समस्त प्रावधान जो मतदान में लागू थे, वे सब इस पुनर्मतदान में भी लागू रहेंगे। श्योपुर में निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर ईवीएम को जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया है, लेकिन कांग्रेसियों को ईवीएम में गड़बड़ी होने का डर सता रहा है। इसी के चलते कांग्रेसियों ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के बाहर टेंट लगाकर निगरानी शुरू कर दी है। कांग्रेसी स्ट्रांग रूम के बाहर लगी एलईडी पर दिन रात नजर रख रहे हैं। हालांकि टीआई का कहना है कि पुलिस के अलावा एसएएफ और बीएसएफ के जवान भी यहां तैनात हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। साहब के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था लगाई गई है और 3 लेयर में लगाई गई है। और सबसे अंदर में बीएसएफ है, बीच में एसएफ है और गेट पर अपने जिला बल के फोर्स लगे हुए हैं और बाहर भी, बाउंड्री के बाहर भी अपने जिला बल के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और रात में भी राउंडिंग करते रहते हैं, दिन में भी राउंडिंग। मंडला जिले के 945 बूथों की ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में सील कर रखा गया है, जिनकी सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में फोर्स के जवानों को 2 चरण में तैनात भी किया गया है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कांग्रेस समर्थक और मंडला विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक मर्सकोले को चिंता है, इसीलिए वो स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट के नीचे सीसीटीवी की लगातार निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेसी और प्रत्याशी का कहना है कि वो इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ईवीएम की कई ऐसी बीच में बातें ऐसी आई हैं कि ईवीएम के हैक होने की या ईवीएम में कोई छेड़छाड़ की बातें आती है, जनता के बीच में भी एक ये बना हुआ संशय। तो हम अपनी तरफ से जो संभव है कि कम से कम हमारा यहाँ पर पोलिंग के बाद में जो मशीनें आई हैं तो उनको हम अपने निगरानी में हम देख सकें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी संशय की स्थिति ना बने।
कमेटी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पीसीसी ने शाजापुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को उनके पद से हटा दिया है। पीसीसी ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी कर कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने और उनके समर्थकों ने संगठन में समन्वय न करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होकर पार्टी के खिलाफ काम किया, इसी को लेकर उन्हें पद से हटाया जा रहा है। पीसीसी ने नोटिस जारी कर उनसे 7 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। वहीं रैली से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति पटेल के घर के बाहर हमला हुआ। पटेल ने हमला कराने का आरोप बीजेपी उम्मीदवार गोपाल भार्गव पर लगाया है। वहीं भार्गव ने मामले पर सफाई देते हुए हमले को नौटंकी करार दिया। सागर के रहली में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के घर फायरिंग और वाहन में तोड़फोड़ मामले में बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ज्योति पटेल राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन इनकी जमानत जब्त हो सकती है, इसीलिए अपनी हार छुपाने के लिए प्रत्याशी ऐसा कर रहे हैं। भार्गव ने हमले को नौटंकी बताया और हत्या की आशंका जताई। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योति पटेल की गाड़ियों में हथियार, गोला बारूद, पिस्टल जब्त हुई है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग आई है, पुलिस इस बात की बारीकी से जाँच करें। यहाँ पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चल रहा हूँ कि हथियार बंद होके गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो अब ये तो गड़ा घुटा है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी बात सहन कर ले। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे ही था, अभी बाहर निकला हूँ रात को, तो मुझे जानकारी मिली कि इनके गाड़ियों में हथियार, असला, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो इन गुंडों के सामने। वहीं रहेली के कांग्रेस उम्मीदवार के घर फायरिंग और वाहन में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आने के बाद हड़कम मचा हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव पर फायरिंग करवाने के आरोप लगाए। गोपाल भार्गव रहेली से 8 बार से विधायक हैं, वो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मामले को लेकर धरना भी दिया, जो खत्म हो चुका है। छतरपुर के राजनगर विधानसभा में चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता के सलमान खान की मौत पर सियासत जारी है। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और खजुराहो थाने के सामने शव रखकर धरना दिया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये सब लोग साथ गए थे, वहाँ क्या निर्णय हुआ है ये आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। मैं तो परिवार के साथ हूँ। मैं जो इनका अभी कब्रिस्तान जाने का जो भी तय होगा उसमें मैं उनके साथ जाऊंगा और उनका जो दफनाने का कार्यक्रम हो जाएगा, अगर ऐसा है तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो आश्वासन पुलिस प्रशासन ने दिया है सख्ती से कार्रवाई करने का, वो करना चाहिए, करना पड़ेगा, अन्यथा इसको फिर से हमें धरने की कार्रवाई पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने सलमान पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी सहित 20 लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बड़ी खबर धार से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने पिटकारा से अवैध शराब से भरा कंटेनर बरामद किया। कंटेनर में अंग्रेजी शराब भरी हुई थी और इसकी कीमत 78 लाख रुपए बताई गई है। बदनावर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरा कंटेनर रतलाम से गुजरात की ओर जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ लिया। तलाशी लेने के दौरान उसमें अवैध शराब बड़ी मात्रा में भरी हुई थी एवं इस शराब का कोई वैध परमिट या लाइसेंस उक्त चालक के पास में नहीं था, जिस पर से तलाशी लेने पर 700 पेटी कुल विदेशी मदिरा, उक्त शराब की कुल कीमत
78 लाख रुपए एवं जब्त शुदा ट्रक की कीमत 30 लाख रुपए, इस तरह से कुल 1,08,00,000 रुपए का मशरूबा जब्त किया गया। अब बात करेंगे मुरैना की, जहां एक दलित परिवार पर दबंगों का कहर बरपा है। दबंगों ने दलित परिवार की लाठी और डंडों से पिटाई कर दी, जिसमें महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खेरियन गांव की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ट्रक सहित 2 आरोपियों को भी पकड़ा। पुलिस ने ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री जब्त की है। पुलिस का कहना है कि ट्रक महाराष्ट्र से विस्फोटक सामग्री लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था। तारीख को बलंगी चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 ट्रक विस्फोटक जब्त हुआ था। ये जो विस्फोटक था, ये रायगढ़ महाराष्ट्र से सिंगरौली मध्य प्रदेश जाना था। इन्होंने जो रूट चार्ट बना हुआ था उसका वायलेशन किया था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। खबर महासमुंद से है, जहां चोरों को अब पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं बचा है। जी हां, सीसीटीवी फुटेज को देखकर तो यही कहा जाएगा। तस्वीरों को देखिए, किस तरह से चोर एक के बाद एक दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बसना नगर का ये मामला है, जहां हार्डवेयर, डेली नीड्स, मेडिकल स्टोर्स, फैंसी स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे 17 दुकानों में चोरी हो गई। चोरी के बाद व्यापारी दहशत में है। बता दें कि इस मामले में बाहरी गैंग के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। बहरहाल बसना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि किस तरह से चोर बेखौफ हैं और जो व्यापारी वर्ग है वो दहशत में है। खबर श्योपुर से है, जहां एक मगरमच्छ नदी से बाहर निकलकर गांव में पहुंच गया। वो किसी को अपना शिकार बना पाता, इससे पहले ही गांव वालों ने उसे देखकर पकड़ लिया। तो गांव वालों की नजर इस मगरमच्छ पर पड़ी। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी से इस मगरमच्छ को पकड़ा और फिर वन विभाग की टीम को बुलाया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर पार्वती नदी में छोड़ दिया। नदी से बाहर इस मगरमच्छ को यहां देखकर गांव वाले दहशत में आ गए, लेकिन कुछ गांव वालों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रस्सी से इस मगरमच्छ को बांध दिया और फिर वन विभाग की टीम को बुलाया। वन विभाग की टीम ने से मगरमच्छ को वापस से पार्वती नदी में छोड़ दिया। आज लोक आस्था का महापर्व छठ यूपी बिहार समेत पूरे देश में मनाया गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी छठ की अनूठी छटा देखने को मिल रही। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। छठ व्रतियों ने छठ घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 36 घंटे के उपवास के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठ के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि ये पावन दिवस हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ के हर जिले में बड़े उत्साह के साथ छठ का पर्व मनाया गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से घाटों पर तैयारियां की गई थी। और ये 5 तस्वीरें दिल्ली, पटना, जबलपुर, दुर्ग और की दिखा रहे हैं हम आपको, कैसे दिल्ली से लेकर पटना तक, जबलपुर, दुर्ग तक यहाँ घाटों पर आपको वर्ती दिखेंगे, जिन्होंने आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया, यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ दिया। और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही व्रत का समापन हो जाएगा। दिल्ली में भी इस मौके पर घाटों पर विशेष इंतजाम किए थे। अलग अलग प्रकार के फलों को लेकर सूर्यदेव की उपासना की गई। छठ के इस व्रत के मौके पर छठ का पर्व, जो प्रकृति के हर रूप की पूजा करना हमें सिखाता है, और जहां अपने घर परिवार की खुशहाली की कामना के लिए जो व्रती हैं वो व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, मंडला और अनूपपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बेहद ही सुंदर तरीके से इन घाटों को सजाया गया था। आस्था का ये महापर्व होता है जहां 36 घंटे का उपवास किया जाता है। बेहद कड़े इस व्रत के नियम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा परिवार इस मौके पर एकजुट होता है। उत्तर भारत के इन परिवारों के लिए छठ सबसे बड़ा पर्व होता है, इसीलिए इसे महापर्व भी कहा जाता है। अंबिकापुर, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इस मौके पर साफ सफाई का विशेष ध्यान किया जाता है, जहां पर भी घाट तैयार किए जाते हैं। और ये जो छठ का महापर्व है वो सिखाता है कि किस तरह पूरा परिवार एकजुट होता है जब उनके परिवार में कोई छठ के लिए व्रत करता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है और ये एक तरीके से लेगेसी होती है, क्योंकि छठ का ये व्रत जब कोई दूसरा सदस्य धारण करता है परिवार का, तभी इस व्रत को कोई और छोड़ पाता है। एक लेगेसी, एक खानदानी परंपरा के रूप में यह व्रत आगे बढ़ता जाता है। रायगढ़, सूरजपुर, कोरबा और दुर्ग की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रकृति, नदी, सूर्य, यहाँ इन सब की उपासना इस मौके पर की जाती है। छठ का ये पर्व सिखाता है कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है जो आस्था रखता हो, जो श्रद्धा रखता हो। तो जन सैलाब किस तरह से उमड़ा था, लोग जो दूर दराज काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो इस मौके पर किसी भी तरह अपने परिवार के बीच पहुंचना चाहते हैं, और इसीलिए ये पर्व एक महापर्व के तौर पर अपनी पहचान रखता है। और बड़ी खबर जो किसी भी तरह से सुखद नहीं कही जा सकती है, जहां वर्ल्ड कप में हार की दहलीज पर अब टीम इंडिया है। छठी बार चैंपियन बनेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। फाइनल मैच में टीम इंडिया के लचर प्रदर्शन के चलते हार के कगार पर पहुंच गई है टीम इंडिया। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी निराश किया, फेल हुए निराश, और कंगारुओं ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है क्यों उन्हें बिग मैच विनर कहा जाता है। जब बड़े मैच में जो उनका प्रदर्शन होता है वो बेहतरीन रहता है, और इस परिपाटी को इस बार भी उन्होंने बदलने नहीं दिया। छठी बार ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी टीम इंडिया। फाइनल मैच में टीम इंडिया का लचर प्रदर्शन, टॉस जीतकर कंगारुओं ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद टीम इंडिया के बाद एक बल्लेबाज ढेर होते चले गए और 240 रन बनाकर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। उम्मीद थी टीम इंडिया के गेंदबाजों से, क्या पता बुमराह कोई कमाल कर दे, मोहम्मद शमी, सिराज, कोई तो कमाल कर पाता, लेकिन गेंदबाजों ने भी निराश किया। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाज भी फेल हो गए। पहले पिच को लेकर कहा गया कि पिच बहुत ड्राई थी, इसीलिए शुरुआत में ही टीम इंडिया को पिच की कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें साथ नहीं मिला पिच की ओर से। लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भी टीम इंडिया के गेंदबाज मुसीबत में डाल पाएंगे क्योंकि पिच ड्राई है। लेकिन यहां शुरुआती झटकों के बाद डटकर खेले ट्रेविस हेड और सेंचुरी मारी, और अब अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले आए हैं ट्रेविस हेड। टीम इंडिया का डिसअपॉइंटिंग प्रदर्शन, लेकिन कंगारुओं ने बेहद सदीव रणनीति के साथ प्रदर्शन किया, और इस मैच में पहला विकेट लेने के साथ ही यह साफ हो गया कि कंगारुओं की स्ट्रैटेजी टीम इंडिया के हर एक प्लेयर के लिए अलग अलग तरह की रही। तो बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी नाकाम किया, और यहां जहां स्टेडियम का हर छोर टीम इंडिया को चीयर करने के लिए भरा हुआ था, आवाजें आ रही थी, लेकिन शुरुआत से ही टीम इंडिया के बल्लेबाज निराश करते रहे, और अब छठी बार वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी उठाने जा रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। सदीवी रणनीति के साथ टीम ऑस्ट्रेलिया ने काम किया, हर एक प्लेयर के लिए उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी, और फील्डिंग का जितना भी उनकी तारीफ की जाए उनकी फील्डिंग की, वो उतनी कम होगी। सदी भी फील्डिंग शुरुआत से ही
टीम ऑस्ट्रेलिया की ओर से यहां पर देखने को मिली। ২০০৩ में भी टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथ हारी थी और अब 2023 में ये कप टीम ऑस्ट्रेलिया छीन ले जाएगी टीम इंडिया के मुंह से उसके होम ग्राउंड में भारत में यह मुकाबला फाइनल का और उसके बावजूद टीम इंडिया हार से दूर। तो वासु चौरे भोपाल से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, जो उम्मीद थी कि हम जिस हौसले के साथ जिस खुशी के साथ बातचीत करेंगे वो उम्मीद चकनाचूर हो चुकी है। हाँ बिल्कुल अपर्णा, देखिए हम लोगों ने प्लानिंग यही की थी कि जीत की तस्वीरें आएंगी, जीत का जश्न मनेगा और ना सिर्फ अहमदाबाद रोकेंगे आपको। छठी बार बन गया है वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, फाइनल में टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। विश्व कप जीतने का सपना चकनाचूर हुआ कैप्टन रोहित शर्मा का, विराट कोहली का। उम्मीद की जा रही थी कि जो टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन थ्रू आउट द सीरीज करती आ रही है वो फाइनल में एक बार फिर कमाल दिखाएगी, लेकिन 20 साल बाद जो ये मौका टीम इंडिया के हाथ आया था वो गवा दिया, या कहें कि छीन लिया ऑस्ट्रेलिया ने। और ट्रेविस हेड ने शानदार सेंचुरी लगाते हुए अपनी टीम को ये जीत दिलाई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया है। छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया उठाने जा रही है, वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है। विश्व कप जीतने का सपना टीम इंडिया का चकनाचूर हो गया। तो पहले बल्लेबाजों ने, फिर गेंदबाजों ने निराश किया और भारत ने दिया था 241 रन का लक्ष्य, लेकिन जिस लक्ष्य को बनाने में टीम इंडिया को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस लक्ष्य को आसानी से कहे कि टीम ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिया। फाइनल में टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन है, ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन, छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है ऑस्ट्रेलिया। वासु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, एक सपना था कि वो पूरा हो जाएगा, आज भारत अपने ही ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को हराएगा और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा। हाँ बिल्कुल अपर्णा, देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश में ये उम्मीद थी कि जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया था शुरू से लेके फाइनल मुकाबले तक, भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी। सेमीफाइनल में भी हमने न्यूजीलैंड, जो कि एक मोस्ट सबसे प्रबल दावेदार जो है वो मानी जा रही थी इस वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंचने वाली टीम, उसको भी हमने बहुत बुरी तरह से हराया था। 397 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य हमने वहाँ पर खड़ा किया था, लेकिन फाइनल में आते आते भारतीय टीम जिस तरीके से आज दिन भर भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाई। हालांकि शुरुआत रोहित शर्मा ने अच्छी देने की कोशिश की, 47 रन उन्होंने तेजी से किए, लेकिन उनको उनके पार्टनर शुभमन गिल का वहां पे साथ नहीं मिला। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने जरूर कुछ हद तक भारतीय पारी को संभाला और यही वजह रही कि एक सम्मानजनक स्कोर तक, 240 रन के स्कोर तक भारतीय टीम वहां पर पहुंच पाई। लेकिन अगर आप कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल को अगर वहां से हटा देते हैं तो कोई भी बल्लेबाज जो है वो बेहतर नहीं कर पाया, चाहे वो शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा उम्मीद थी, सूर्य कुमार यादव, पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला खामोश रहा। जडेजा के पास आज मौका था, उनको जिस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाना जाता है कि वो कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, आखिरी के ओवर्स में टीम इंडिया के लिए तेजी से रन बटोर लेंगे, लेकिन जडेजा भी वहां पे कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार करने में नाकामयाब पूरी तरह से नजर आए। और जडेजा के बाद वहां से जो बॉलर्स थे वो बैटिंग करने आए और उन्होंने भी कोई खास कमाल वहां पर नहीं करके दिखाया और जैसे तैसे इंडिया 240 रन महज बना सकी। स्लो ट्रैक था, स्लो विकेट था, ये माना जा रहा था कि सेकेंड इनिंग में जब इंडिया बॉलिंग करेगी तो इंडिया को भी खासा जो है वहां पर मदद मिलेगा, फायदा मिलेगा। शुरुआत इंडिया ने अच्छी की, हालांकि पहली गेंद पर जिस तरीके की तस्वीर सामने आई थी, एक कैच जो है वो स्लिप की तरफ उठा था और वहां पे विराट कोहली और केएल राहुल वहां पे खड़े हुए थे, कुछ कम्युनिकेशन गैप या अटेंशन उतना नहीं हो पाया और वो कैच पहला ड्रॉप हुआ और वो चौका वहां पे चला गया। उसके बाद लगातार भारतीय गेंदबाजों ने कोशिश जरूर की कि मैच में वापस पकड़ बनाई जाए, लेकिन और बहुत हद तक कामयाब भी। यू लूज द कैच यू लूज द मैच। और जिस फील्डिंग की हम बात यहां पर कर रहे हैं, भले ही पिच ड्राई थी, स्लो बॉल यहां पर मूव हो
रही थी, लेकिन उसी पिच पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत सधी हुई बल्लेबाजी की। और यहां पर कहना होगा रोहित शर्मा की ओर से शॉट्स तो मारे गए, लेकिन जिस शॉट पर वो आउट हुए वो काफी रेकलेस शॉट था, अगर वो टिकते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। और निश्चित तौर पर अपना, और हम लोग वही डिस्कशन भी कर रहे थे, 47 रन पर 3 विकेट, वहां पे इंडिया के पास एक मोमेंटम था मैच को बचाने का, लेकिन 3 विकेट के बाद अगला विकेट जब तक गिरा जब तक मैच पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रोहित शर्मा से उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का शॉट खेलकर आउट होंगे उस ओवर में, और उससे पहले के ओवर्स में ऑलरेडी अच्छी बाउंड्रीज आ चुकी थी और एक मोमेंटम कहीं ना कहीं टीम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया था, क्रिएट हो गया था। रोहित शर्मा चाहते तो अपनी पारी को आराम से थोड़ा और आगे बढ़ा लेते। आप पिछली उनकी 2-3 पारियाँ देखिए, 46 रन 47 रन, और यहीं पर आकर वो अपना विकेट दे देते हैं और उसके बाद टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ जाती हैं। पिछले मैचों में तो बल्लेबाजों ने संभाल लिया, लेकिन रोहित शर्मा को मुझे लगता है कि टीम प्लानिंग के तहत यही टास्क दिया गया था कि आप एक एग्रेसिव शुरुआत, वो कुछ ना कुछ उस हद तक अपनी जो भूमिका थी उससे न्याय कर सके। विराट कोहली से खासी उम्मीदें थी, आज विराट ने 50 की, लेकिन 50 के बाद वो जिस तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं उसको एक बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं। जिस तरह से विराट को आउट किया गया, यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम की तारीफ करनी होगी, काफी सधी स्ट्रेटजी के तहत लग रहा था कि हर एक प्लेयर के लिए उनके पास एक अलग स्ट्रेटजी है। निश्चित तौर पर देखिए, हर प्लेयर के लिए वहाँ पे अपना फील्ड तक चेंज हो रही थी। आप जब देख रहे होंगे कि जब स्ट्राइक रोटेट होता था, विराट कोहली स्ट्राइक पर हैं तो एक अलग फील्ड। It was so easy, but I'm just lifted up the World Cup. So still, are you excited for the this match? And I'm not. Because we lost the match and Australia won the match. It's obviously disappointing, but yeah, on the other end, India had a well campaign and yeah, they did good the whole campaign. It takes hard. It's obviously Virat's and Rohit's last World Cup, so maybe they don't play the 2027 one, but let's just hope they play it and win it next year. So, what's your Josh? How's the Josh? Let's say we hope no Indians. How's the Josh? Achyut ji, you being a woman, कितना चैलेंजिंग आपको देखने में लगा, क्योंकि भारत जो है विश्व कप हार गया, वी लॉस्ट द मैच। Disappointing तो definitely था, because उम्मीदें बहुत थी। India did dominate the World Cup 2023 definitely, and बहुत सारी historic milestones भी achieve हुए हैं हमारे खास players विराट कोहली एंड मोहम्मद शमी, they've done really well, but I think आज का दिन Australia के नाम था। उनकी bowling, उनकी fielding, batting, everything was brilliant, but still cheers for India always. बहुत इंजॉय किया, अब भी हम इंडिया के साथ है, हारिए तो क्या है, तो इंडिया वाले ना, हिप हिप हुर्रे। माय नेम इज कृषि जैन, आई एम इन कोलकाता। इंडिया ने अपने आप परफॉर्म किया है आज फाइनल में, लगभग हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्या कहना चाहिए? तो वासु हमारे सहयोगी भोपाल से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा, छोटे फैंस भी थे, बड़े फैंस भी थे, और हर कोई निराश तो था, लेकिन क्या कहे था, शानदार प्रदर्शन रहा थ्रू आउट द सीरीज टीम इंडिया का, कि उम्मीद क्या, विश्वास ही था कहीं ना कहीं ये कि इस बार तो टीम इंडिया ये कप अपने नाम कर ही लेगी। अब बिल्कुल देखिए, भारत के शेर जिस तरीके से डोमिनेट करते आए इस पूरे वर्ल्ड कप में, टीम कोई भी सामने आई हो, ऑस्ट्रेलिया से ही जो पहला मुकाबला, इससे पहले वाला मुकाबला हमने खेला था, 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया को हम लोग धूल चटाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए थे। हमने साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, कोई भी बड़ी टीम उठा के देख लीजिए आप, भारत के सामने कोई टीम नहीं टिक पाई, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमने बनाए, लेकिन भारत के शेर फाइनल में बिल्कुल हो गए। इंडिया की वो बॉडी लैंग्वेज ही नज़र नहीं आई, 3 विकेट के बाद जब एक अच्छी पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया की बनने लगी तो एक भी कोई ऐसा मोमेंटम नहीं देखने को मिला कि वहाँ पे एक प्लेयर्स ने दम लगाया हो, थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट देखने को मिला हो, और खास तौर पर फील्डिंग को लेकर जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रैटेजी रही, हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे पढ़ना, कि हर प्लेयर के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी, एक अलग गेम प्लान, और फील्डिंग में लगातार तब्दीली करना, लगातार प्लेयर्स के बीच कम्युनिकेट करना, भारत टीम तो उनके साथ थी, लेकिन आप
वहां पे अहमदाबाद में क्राउड देखिए स्टेडियम में 130,000 दर्शक संख्या, उसमें 95% या उससे भी ज्यादा आप कहें तो वो इंडियन क्राउड था और इंडिया को इतनी जोरदार चीयर हो रहा था, आप समझ सकते हैं वहां पे कितना नॉइज होगा, कितना साउंड होगा। उस सबके बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत काम रह के खेली और ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित कर दिया कि वो क्यों 5-5, 6-6 बार विश्व विजेता बनते हुए आए हैं। उनका बड़े मैचेस में खेलने का एक अलग एटीट्यूड होता है और वो एटीट्यूड आज साफ तौर पर उनकी प्लानिंग और वो ग्राउंड पर जिस तरीके से अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसमें साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ आया। और इंडियन टीम की अगर आप बात करते हैं तो जिस तरीके का एक मूवमेंट भारत की टीम ने पकड़ा हुआ था, लेकिन फाइनल की टीम मैं फाइनल मैच के दिन एक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा भारतीय खिलाड़ी अंडर प्रेशर नज़र आया। आप देखिए शुभमन गिल जब बैटिंग करने आते हैं उनका जो स्टाइल होता है, जो अक्सर वो जिस तरीके के शॉट्स खेलते हुए नज़र आते हैं वो दिखा नहीं। उन्होंने पहली गेंद उनकी कहीं ना कहीं मिस हुई है और लीडिंग एज उनका वहाँ पर कहीं ना कहीं लगा। श्रेयस अय्यर समझ ही नहीं पाए, गेंद को पढ़ ही नहीं पाए, 3-4 रन पर अपना विकेट खो बैठे। सूर्य कुमार यादव इस टूर्नामेंट में उन्हें बहुत कुछ मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी मौका मिला तो बहुत प्रभावी प्रदर्शन वो वहाँ पर दिखा नहीं पाए, कर नहीं पाए। आज उनके टाइम उनके पास एक बड़ा मौका था बड़े हीरो बनने का, बड़े मैच में हीरो बनने का, अपनी काबिलियत को साबित करने का, ये बताने का कि क्यों उनको 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है, क्यों उन्हें स्काई कहा जाता है। और दर्शकों को उम्मीद भी थी कि भारत के अब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए हैं, बड़ा स्कोर टीम इंडिया के पास नहीं है। सूर्य कुमार यादव के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो स्कोर को बड़ा बनाए, बड़ी मैच में बड़ी पारी खेलकर दिखाएं, लेकिन हुआ वही, टॉप ऑर्डर का फेल होना, रोहित और विराट के बल्ले से बहुत ज़्यादा रन ना आना, टीम इंडिया को आखिरकार भारी पड़ गया और सारे बल्लेबाज लाइन से निराश करते हुए चले गए। हार्दिक पांड्या की कमी आज मुझे बहुत खल रही थी अपना, चाहे वो बैटिंग साइड में आप बात कर लें या बॉलिंग साइड में आप बात कर लें, हार्दिक पांड्या टीम को और ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। बात कह रहे हैं ना, ऐसी बहुत से दर्शकों से बात हुई है, बहुत से लोगों से बात जब मेरी हुई तो उन्होंने कहा कि हमने धोनी को बहुत मिस किया जब स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया बॉडी लैंग्वेज का, सही आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें बड़े मैच का विनर कहा जाता है, क्योंकि उनका उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही, जहां पर 99% दर्शक टीम इंडिया के साथ थे लेकिन लगातार वो जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली अपनी फील्डिंग चेंज कर रहे थे और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था वो दिखा रहा था कि वो मैच जीतने के लिए ही मैदान में उतरे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, और ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि आप किस एटीट्यूड के साथ खेलने आ रहे हो। और आपको इंसिडेंस वो याद होगा जब टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का निर्णय किया, तो वहाँ पे इंडिया के लिए दोनों साइड विन विन सिचुएशन हो गई, क्योंकि रोहित शर्मा ने जैसे कहा था कि हम तो चाहते हैं कि हम लोग पहले बैटिंग ही करें, लेकिन चाहत पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम की हुई। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस बातचीत के लिए, और फिलहाल यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते चुनावी दंगल के दिग्गजों में अब चैन की सांस लेने का समय है। भाग दौड़ और आपाधापी से हटकर अब वो दिन कैसे बिता रहे हैं, इस खास पेशकश में उसी पर आज नजर रहेगी। वोटिंग के बाद मंदसौर में बीजेपी विधायक फुर्सत में नजर आए, खाली समय का इस्तेमाल करते हुए शेविंग करते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2008, 2013, 2018 में मतदान के अगले दिन शेविंग की है और इस बार भी 2023 में यही योग बन रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, नेताजी शेविंग कराते हुए, और इस बात का जिक्र उनकी तरफ से भी किया गया कि साल 2008 में भी यहीं पर आया था, साल 2013, 2018 के चुनाव के बाद भी इसी प्रकार से शेविंग कराने पहुंचा था। और संयोग की बात यह है कि साल 2023 मतदान के बाद का ये दूसरा दिन और आज भी ग्रूमिंग के लिए यहीं पहुंचा हूं। यशपाल सिंह सिसोदिया को आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद नेताजी रिलैक्स मूड में नजर आए हैं। खरगोन में कसरावत के कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला है। सचिन यादव ने जमकर बॉलिंग की, फिर बैटिंग भी की, चौके छक्के लगाए। मतदान के बाद क्रिकेट खेलने का वीडियो भी
उनका काफी वायरल हो रहा है, चर्चित है। ये तस्वीरें आप देखिए, खरगोन की तस्वीरें हैं, क्रिकेट खेलते हुए नेताजी आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट में अपने हाथ आजमाते हुए, रिलैक्स मूड का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बीते दिनों दौरे रहे, प्रचार में पहुंचे, घर घर पहुंचकर वोट मांगे, बहुत व्यस्ततम शेड्यूल, और उसके बाद अब ये कुछ राहत के पल आए हैं। 3 दिसंबर को नतीजे हैं, उससे पहले भी आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं मन में तो डर रहता ही है, लेकिन इसके बावजूद जो अब राहत की सांस मिली है उसे खुलकर जीने का मौका। पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो भी शेयर किया है। के कसरावद विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री सचिन यादव ने अपने जो गृहगांव बुरा वहाँ पे मतदान किया, पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुँचे। हमारे साथ सचिन यादव जी मौजूद है। किस क्या लग रहा है जिस प्रकार से आज मतदान किया आपने, और जैसे लोगों में उत्साह देखा जा रहा है मतदान के प्रति, क्या मानते हैं आप? देखिए, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी मतदाता साथी लोकतंत्र के इस पावन पर्व को मनाने के लिए उत्साहित हैं, और सभी साथी अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र में पहुँच रहे हैं और इस 18 साल की निकम्मी और नाकारा सरकार को बदलने का काम अपने मतों के माध्यम से कर रहे हैं। हम सब पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, ना सिर्फ खरगोन जिले में बल्कि संपूर्ण निमाड़ में, पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप देश के सबसे युवा कृषि मंत्री रहे, तो क्या इस बार जैसे पिछले 2018 में कर्ज माफी का मुद्दा चला था, इस बार भी किसानों का कर्ज माफी मुद्दा रहेगा क्या? निश्चित रूप से हमारे वचन पत्र में हमने ना सिर्फ इस नाकारा और निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हमारे जो किसान साथी थे उनका कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई थी, सरकार बनने के बाद हम हमारे किसान साथियों का कर्ज माफ़ी करने का काम करेंगे। मतलब कर्ज माफ़ी का ही मुद्दा रहेगा। माँ भी पहुँची हैं सचिन यादव जी के साथ, आप किस प्रकार का आशीर्वाद देंगे? जब आप घर से सचिन भाई वोट डालने निकल रहे थे तो आपने आशीर्वाद दिया तिलक करके, क्या कहना चाहेंगे? यही दिया मैंने आशीर्वाद कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए और मेरे बच्चे देश की सेवा करें और लोग गरीबों को साथ दें। अच्छा, पत्नी भी पहुंची है, क्या मतदान किया, क्या लग रहा है आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि कसरावद की जनता अपार स्नेह दे के इनको रिकॉर्ड मतों से जिताई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सचिन यादव ने मतदान किया है, उनका कहना है कि इस बार भी जो है कर्ज माफी का मुद्दा सहित किसानों के मुद्दे से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस हाथ में जो माँ पहुंची है, माँ ने भी आशीर्वाद दिया, और धर्मपत्नी का भी जो पूर्व मंत्री है सचिन यादव, उनका भी दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आशुतोष पुरोहित, News18 खरगोन। तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की भागदौड़ के बाद अब नेताजी को फुर्सत मिली है। भोपाल में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जिन्होंने News18 से खास बातचीत भी की, बहुत व्यस्तता थी इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी राहत है, जनता ही उनका परिवार, इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने जीत का दावा किया तो कांग्रेस अब हार का कारण खोज रही है, इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से रहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा मतगणना के बाद अब ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। ऐसे में अब प्रत्याशी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं, उनसे लगातार मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ ग्वालियर ग्रामीण से प्रत्याशी और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, वैसे तो आप मंत्री हैं, लगातार बिजी रहते थे, लेकिन चुनाव के समय में कुछ ज्यादा ही बिजी रहे होंगे, किस तरह की व्यस्तताएं रही और अब कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? चुनाव में कैंपिंग के लिए बहुत कम समय मिलता है, और उस कैंपिंग के दौरान प्रत्याशी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, मिलना मिलाना और क्षेत्र में जनसंपर्क करना, तो निश्चित रूप से जो समय का वो रहता है तो उसमें कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, और जब भी समय मिलता है तब लोगों के बीच में जाना पड़ता है, इसलिए व्यस्तता चुनाव में रहती है अधिक। आज चूंकि कल मतदान हो गया है, आज भी सवेरे से ही कार्यकर्ता आ रहे हैं मिलने के लिए, उनसे मिलना जुलना। देखिए, राम काज की ने बिना मुझे कहाँ विश्राम कहते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही समाज सेवा में व्यक्ति आता है तो विश्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, सबसे बड़ा आराम सुकून मिलता है लोगों से संपर्क में, लोगों की सेवा करना। लेकिन अब आप कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ले रहे होंगे, पोलिंग वाइज क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के ये महापर्व में हमारे मतदाता भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और सर्वाधिक मतदान, मैं ये कहूँगा अभी तक के चुनाव में सर्वाधिक मतदान विधानसभा में हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ
सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, सरकार के कामों से जनता ने प्रसन्न होकर मतदान में अधिक भाग लेकर अपने मत का प्रयोग किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान सर्वाधिक हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है जनता के ऊपर। कांग्रेस के लोग स्ट्रांग रूम के बाहर जाके बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। कांग्रेस को पता है कि जब सर्वाधिक मतदान होता है, आंकड़े ही बता रहे हैं मीडिया सब, तो उन्हें पता है उनकी हारते है, इसलिए बहानेबाजी बताएंगे करते रहे, उनका काम है। ये भारत सिंह कुशवाहा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें लगातार मिलता रहा और इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो जनता के भले के लिए वो लगातार काम करेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलेंस सिंह, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो मतदान खत्म होने के बाद जहां प्रत्याशी फुर्सत के पल बिता रहे हैं, तो वहीं ग्वालियर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपना इलाज करवा रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने मतदान फीसद बढ़ने को अच्छा संकेत बताया है, दावा भी किया है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में शुमार ग्वालियर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार दो महीने से ज्यादा वक्त से वो चुनावी भागदौड़ में लगे हुए थे। इस दौरान उनकी थोड़ी तबीयत भी नासाज हुई, लेकिन आज जरूर उनको फुर्सत के पल मिले हैं और इस वक्त वो अपने ही घर इलाज भी करवा रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी, लगातार भागदौड़ और बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको। पहले तो मैं ग्वालियर की जनता और पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस सेवक के हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी पूरी तन्मयता के साथ ग्वालियर में चुनाव लड़ा और ग्वालियर में ऐतिहासिक मतदान हुआ है। 66 साल बाद इतना मतदान हुआ है, उसको प्रणाम करता हूं। और सेवा और विकास और ग्वालियर की जनता 2020 से बेहतर चुनाव जीत रही है। जब इस बार मतदान भी प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 2% से ज्यादा मतदान बढ़ा है आपके इलाके में, मध्य प्रदेश में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, क्या तस्वीर लगती है आपकी खुद की विधानसभा में और पूरे मध्य प्रदेश में? कमल खिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, सेवा और विकास और लाडली बहना फिर मध्य प्रदेश में कमल का परचम फहराने वाला है। जैसे कमलनाथ ने भी ये कहा है कि 135-140 से ज्यादा सीटें आएगी, कांग्रेस भी दावा कर रही है, तो इन दावों में कितना क्या लगता है आपको? पहले 150 पार का दावा कर रहे थे, अब 135-140 आ गए, दो दिन बाद 115 पे आ जाएंगे और फिर चुनाव आते आते तक 100 पे आ जाएंगे। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर आज फुर्सत के पलों में अपने घर है, इलाज भी करवा रहे हैं, फुर्सत भी है और साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ उनकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बल्कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसको वो लाडली बहना योजना का इफेक्ट मानते हैं। अब देखना यही है कि 3 तारीख को किस तरह के परिणाम आते हैं, क्या वाकई में प्रद्युम्न सिंह तोमर के चेहरे पर खुशियां लौटती है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है या फिर नतीजे किस तरह के होते हैं, ये 3 दिसंबर तक के लिए इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां मतदान खत्म होने के बाद राव विधानसभा से प्रत्याशी जीतू पटवारी फिटनेस पर ध्यान देने लगे हैं। आपको बताएं कि प्रचार के दौरान कभी साइकिल चलाते हुए नजर आए थे आपको, कहीं जिम में कसरत करते दिखे थे और अब उन्हें प्रचार और मतदान की भागदौड़ से राहत मिल गई है, तो वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, देखिए किस प्रकार से जीतू पटवारी, जिन्हें आप लगातार ताबड़तोड़ हमले करते हुए बीजेपी पर देखते हैं, जो लगातार प्रचार के दौरान भी दम भर रहे थे, वो अब फुर्सत के पल बिताते हुए फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय के लिए तो तमाम दावे उनकी तरफ से हुए भी, लेकिन उस समय के लिए तैयार भी रहना है, उसका ये नतीजा कि ना सिर्फ जिमिंग करते हुए बल्कि साइकिलिंग करते हुए जीतू पटवारी इंदौर की सड़कों पर नजर आने लगे। और भोपाल के हुजूर विधानसभा में चुनाव की जंग लड़ने के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा रिलैक्स मोड में नजर आए, इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि सभी सीट बीजेपी के खाते में ही जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है सीधे आपको सुनाएंगे। भोपाल में चुनाव हो चुका है और बीजेपी के एक बड़े हिंदूवादी चेहरे रामेश्वर शर्मा विधायक है जो कि हमारे साथ है। सर, चुनाव हो गया
और अभी तो आप हमें पकड़ में ही नहीं आ रहे थे, बड़ी ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज आप रिलैक्स के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब चुनाव हो गया, आनंद है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, शुभकामनाएं ले रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। और पहले हमको जो कार्यक्रम और कैलेंडर जो बनता था उसके हिसाब से चलना पड़ता था, सुबह 8:30 बजे निकलना पड़ता था, जहाँ जहाँ लोगों के कार्यक्रम दिए थे, जहाँ जनता जनार्दन आशीर्वाद देने के लिए खड़ी थी, आतुर थी, वहाँ अगर हम लेट पहुँचे तो अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हमारी कोशिश होती थी कि जो समय दिया उस समय पर उनके बीच में हाजिर हो जाएं और उनसे आशीर्वाद ले लें। जनता के बीच आप आशीर्वाद लेने गए और असर भी दिख रहा है कि 70% वोटिंग हो गई। जी बहुत बहुत, जितना इसने आशीर्वाद जनता ने मुझे दिया, 70 नहीं सर ये 90% होती। इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की चूक है और मैंने फर्स्ट उसमें ही 7:30 बजे निर्वाचन आयोग को कंप्लेंट कर दी थी। मैंने कहा था कि आपको 1500 से 1000 से ऊपर के जितने भी मतदान केंद्र हैं, यहाँ डबल मशीन आपको लगाना चाहिए था, क्योंकि एक मशीन पे वोट डालने में कहीं 1 मिनट लग रहा था, कहीं 2 मिनट लग रहा था, 15 सेकंड तो हर वोट पे लग ही रहा था। उस हिसाब से जो हमारे यहाँ तो 6:30 बजे मतदाताओं की लाइन लग गई थी। जिंदगी में पहली बार मैंने इस तरह मतदाताओं में उत्साह और आनंद देखा है। मैं हृदय से धन्यवाद और गदगद हूं कि जो उन्होंने प्यार मुझे बेटे और भाई के नाते दिया है, हे परमात्मा, उनका स्नेह और आशीर्वाद कभी छूटे नहीं, कभी मुझसे टूटे नहीं, कभी वो मुझसे रूठे नहीं। मैं उनके हर काम में सम्मिलित हूं, मैं उनकी हर तरह से सेवा और मदद कर सकूं, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अपार स्नेह नहीं तो हम 90% मतदान कराते। नरोत्तम मिश्रा का बयान आया था कि जो भी दूसरी पार्टी को वोट देगा वो पाकिस्तान को वोट देगा। दिग्विजय सिंह ने कल बड़ी आपत्ति जताई और निर्वाचन आयोग को भी कहा है कि नरोत्तम मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को पर ही पहले कड़ी कार्रवाई कर दो। नरोत्तम जी ने हो सकता है दिग्विजय सिंह जी के संबंध में ही कहा हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको, आतंकवादियों को जो जीके के संबोधन किया था, तो इसलिए हो सकता है कि नरोत्तम जी के ध्यान में वो बात रही हो कि कांग्रेस यानी क्या। कांग्रेस के जो नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी, वो भारत की बुराई चाइना में जाके करते हैं, वो अच्छा है। कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी पाकिस्तान से बातचीत करते हैं और हिंदुस्तान के नेताओं से बात करना नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, चाहे किसी भी समय का कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे मनमोहन जी हों, चाहे नरसिम्हा राव जी हों, जो भी भारत का प्रधानमंत्री रहा है, विदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक का जो श्रृंखला है, कोई भी नेता हमारा गया, हमने विदेश में भारत के प्रधानमंत्री की, भारत की बुराई किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की और न की, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री, वो भारत का निर्वाचन हमारे लोकतंत्र के मंदिर का मुखिया है, हम उसकी बुराई नहीं करेंगे। तो ये जो मानसिकता है कि आप विदेशी का वोट देने आएंगे, तुम जिनमें जाके भारत के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हो, और ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता की खिलाफत है, और इसलिए कार्रवाई तो दिग्विजय सिंह जी पर भी होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानियों से चैट करते हैं, ट्विटर उस पर पकड़े जाते हैं, आतंकवादियों को जी कहते हैं, और वो जाकिर नाइक टाइप का कोई आदमी है, उससे उनकी दोस्ती, उसे वो अपना गुरु मानते हैं। देखिए, ये विधायक रामेश्वर शर्मा जिन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो पाकिस्तानियों से चेट करते हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल।